नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजगुरु यूट्यूब चैनल में। और आज के स्टूडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपके विद्यालय में, आपके कार्यालय में कोई नया कार्मिक आया है तो उसकी एम्प्लॉय आईडी कैसे बनानी है, नए कार्मिक की एम्प्लॉय आईडी बनाने का क्या प्रोसेस रहेगा और उस प्रोसेस को हम कैसे फॉलो करेंगे। सबसे पहले एम्प्लॉय आईडी बनाने का प्रोसेस हम देख लेते हैं। यहाँ पर हम गूगल क्रोम ओपन कर लिया है और मैं सबसे पहले एसएसओ आईडी को ओपन करूँगा। आप एसएसओ टाइप करें और sso.rajasthan.gov.in पर आ जाएँ और यहाँ पर आपको एज ए डीडीओ लॉगिन कर लेना है। अगर आप डीडीओ हैं तो एज ए डीडीओ लॉगिन कर लेना है, क्योंकि डीडीओ लॉगिन से ही एम्प्लॉय आईडी बनेगी। और आपको डीडीओ रोल ऐड नहीं किया हुआ है अगर आपके एसएसओ आईडी पे, एसआईपी पोर्टल पे, तो आप इसका प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मेरे डीडीओ रोल ऐड कर रखा है इसलिए यहाँ पर मैं इसका प्रोसेस करके बता रहा हूँ आपको। अगर आपके एसएसओ आईडी में एसआईपी पोर्टल पर डीडीओ रोल ऐड नहीं हुआ है तो आप एसआईपी ऑफिस, जिले का जो भी एसआईपी ऑफिस है वहाँ से आपकी एम्प्लॉय आईडी को मैप करानी है एज ए डीडीओ एसआईपी पोर्टल पर। ठीक है, मेरे यहाँ पर अपने जब आपका डीडीओ रोल ऐड हो जाएगा तो आप इसे कर पाएंगे। ठीक है, मैंने एम्प्लॉय आईडी और पासवर्ड डाला है। इसके बाद एसएसओ आईडी का एम्प्लॉय आईडी पासवर्ड डालने के बाद कैप्चा फीड करेंगे लॉगिन पर। जैसा कि आप चेक कर सकते हैं, मेरा यहाँ पर एसएसओ आईडी ओपन हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर गवर्नमेंट ऐप्स वाले सेक्शन में जाएंगे और सर्च में आप टाइप करेंगे एसआईपीएफ न्यू पोर्टल। ठीक है, इस तरह का लोगो है, आप इसे सर्च कर लें या अदर एक्टिव ऐप में भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं एसआईपीएफ न्यू पोर्टल को ओपन कर लेता हूँ। एसआईपीएफ न्यू पोर्टल में आपको ओटीपी जाएगी आपके जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल है एसआईपीएफ पोर्टल पर, उस पर। तो आपको अपना मोबाइल साथ में ही रखना है। आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, मेरे SIPA पोर्टल के माध्यम से OTP सेंड हो चुकी है। मैं ओके पर क्लिक करता हूँ। मेरे मोबाइल में जो भी OTP आई है उसको यहाँ पर फीड करूँगा। तो मैंने OTP को यहाँ फीड कर दिया है और सबमिट बटन पर क्लिक करूँगा। ये वेरीफाई हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट सूचनाएं हैं, आप चाहें तो इसे यस या नो करके क्लोज कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको SIPA पोर्टल पर, मेरा रिकॉर्ड का मैंने चेक नहीं किया, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, अब नई एम्प्लॉय आईडी बनाने के लिए आपको यहाँ पर कुछ प्रोसेस करने पड़ेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पर स्विच रोल का ऑप्शन है। तो अभी मैं एज ए एम्प्लॉय लॉगिन हूँ, लेकिन एज ए डीडीओ लॉगिन करने के लिए यहाँ पर क्लिक करूँगा और मेरे एज ए डीडीओ, ठीक है, यहाँ मेरे स्कूल का नाम है और मेरे डीडीओ का कोड है, तो मैं इसको क्लिक करूँगा और उसे ओपन कर दूँगा। मैंने अपने रोल को स्विच कर दिया है एज ए डीडीओ। ठीक है, यहाँ पर आप सारी डिटेल देख सकते हैं, एम्प्लॉय जीपीए, जीपीए पेमेंट और एसआई। ठीक है, यहाँ पर एम्प्लॉय से रिलेटेड काम है इसलिए मैं एम्प्लॉय पर क्लिक करूँगा। ये कह रहा है आप नए एम्प्लॉय को क्रिएट करना चाहते हैं या एम्प्लॉय डिटेल फीड करना चाहते हैं। मैं कह रहा हूँ एम्प्लॉय को क्रिएट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैंने एज ए डीडीओ यहाँ पर स्विच रोल किया, इसके बाद ये प्रोसेस किया, मैंने नए एम्प्लॉय को क्रिएट करने के लिए क्रिएट ऑप्शन पर क्लिक किया, तो यहाँ पर उससे रिलेटेड डिटेल मांग रहा है। ठीक है, सबसे पहले एम्प्लॉय का नाम यहाँ पर फीड करेंगे अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में। इसके बाद यहाँ पर हम फीड करेंगे डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर रिलेशन। ठीक है, एम्प्लॉय का नाम, डेट ऑफ बर्थ, इसके बाद फादर जो भी है, और इसके बाद रिलेशन को सिलेक्ट करेंगे। मेरिटल स्टेटस में शादीशुदा है तो मेरिड, अनमेरिड, डाइवोर्स जो भी है उसको सिलेक्ट करेंगे। पैन कार्ड फीड करेंगे, पैन कार्ड फीड करने के बाद जेंडर, बर्थ प्लेस, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, सर्विस स्टेटस। ठीक है, इन सर्विस, इसके बाद एम्प्लॉय टाइप। ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर उसका परमानेंट एड्रेस फीड करेंगे, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, पिन कोड नंबर फीड करेंगे। ये सारे डिटेल फीड करने के बाद यहाँ पर अगर इसको चेक मार्क कर देंगे तो ऊपर वाली डिटेल नीचे आ जाएगी, यानी कि उसका परमानेंट एड्रेस और वर्तमान एड्रेस सेम है, तो उस स्थिति में यहाँ पर डिटेल आ जाएगी। अगर सेम नहीं है तो इसको अनचेक रहने देना और यहाँ पर रह रहे हैं उसकी डिटेल फीड करनी है। इसके बाद सर्विस डिटेल, यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑप्शन आएगा, इसमें आपको डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है। ठीक है, जो भी आपका डिपार्टमेंट है ना, जैसे एलिमेंट्री एजुकेशन है तो आप एलिमेंट्री एजुकेशन को सेलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ पर ईप को सेलेक्ट करता हूँ। आपको यहाँ पर एजुकेशन डिपार्टमेंट मिल जाएगा, जो भी डिपार्टमेंट है। अगर प्रारंभिक शिक्षा का कार्मिक है तो उसको एलिमेंट्री, यहाँ पर एलिमेंट्री डिपार्टमेंट शो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पर एजुकेशन डिपार्टमेंट फिल कर सकते हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट को फिल करने के बाद यहाँ पर SIPF यूनिट, ठीक है, यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है और डिस्ट्रिक्ट के ऑफिस का नाम सेलेक्ट करना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर DDO सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर एम्प्लॉय स्टेटस सेलेक्ट करना है, परमानेंट सेलेक्ट करना है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, सब कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। इसके बाद डेजिग्नेशन, ठीक है, जिस भी ग्रेड का टीचर है उसका डेजिग्नेशन सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैं यहाँ टी पर क्लिक करता हूँ तो टी के बाद सारी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। टीचर लेवल वन, खाली टीचर है तो टीचर को सेलेक्ट करना है। ठीक है, लेवल वन टू नहीं है, खाली टीचर है तो टीचर को सेलेक्ट करना है। लेवल वन के लिए, लेवल टू के लिए अलग ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, मैंने अभी फिलहाल डाटा फीड नहीं किया। ठीक है, यहाँ बजट हेड सेलेक्ट करना है, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट सेलेक्ट करनी है। बजट हेड यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर बजट हेड आएंगे। ठीक है, जो भी बजट हेड है आप चला दर्पण से चेक कर लें, बजट हेड कौन सा है, कौन से बजट हेड में आपने इस कार्मिक को ज्वाइन करवाया। ठीक है, अगर यहाँ पर बजट हेड गलत भी हो जाएगा तो फिलहाल के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, जिस तारीख को उसका अपॉइंटमेंट हुआ है उसकी डेट यहाँ फीड करेंगे। इसके बाद डेट, ज्वाइनिंग डेट इन प्रेजेंट ऑफिस। ठीक है, तो ये दोनों सेम रहेंगे। बेसिक पे, ठीक है, बेसिक पे अभी 2700 है। अगर नया कार्मिक है तो उसके हिसाब से आपको फिल करना है और यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक करना है। ठीक है, स्कीम की डिटेल ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। फिलहाल अगर आप इसे ऐड नहीं भी करेंगे तो भी आप इसको सबमिट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये प्रोसेस था आप SIPF न्यू पोर्टल पर किस तरह से आवेदन करेंगे। जब आप सूचना फीड करो तो यहाँ पर बजट हेड आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये बजट हेड आप शाला दर्पण पर जाएंगे,
शलादर अपन पियो लॉगिन करेंगे, इसके बाद यहाँ पर पियो रोल सेलेक्ट करेंगे, शलादर अपने ऑफिस वाले बटन पर क्लिक करेंगे और एलिमेंट स्टाफिंग बटन इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर सेंक्शन पोस्ट इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, नीचे आपको संबंधित स्कूल और उसका बजट रेट यहाँ पर शो हो जाएगा। ठीक है, जैसे यह 22001 से स्टार्ट है और आगे की संख्या ये है नीचे। ठीक है, तो आप उस पोस्ट के लिए कौन सा है वो आप चेक कर ले, उसके बाद यहाँ पर आप SIPF पोर्टल पर उसको दर्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका प्रोसेस रहेगा। आगे हम देखते हैं डेट ऑफ अपॉइंटमेंट और बाकी डिटेल फीड करेंगे एज इट इज़, जैसे मैंने पहले आपको बताया था। सब कुछ डिटेल फीड हो जाए इसके बाद आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मेरा डिस्ट्रिक्ट रह गया, सॉरी, तो मैं डिस्ट्रिक्ट कर देता हूँ। यहाँ मेरी डिटेल वापस से खाली होगी, मैं इसको एक बार फिर से फीड कर लेता हूँ। यहाँ पर स्कीम डिटेल बता रहा है, स्कीम डिटेल रिक्वायर्ड। ठीक है, तो मैं यहाँ स्कीम में इसको ऐड करता हूँ। कौन सी स्कीम है यहाँ पर? तो एक तो SI है, एक GPF है। ठीक है, तो फिलहाल मैं एक SI की स्कीम डिटेल यहाँ पर फीड कर देता हूँ और उसके अकाउंट नंबर नंबर नहीं है तो मैं यहाँ पर 00 टाइप करूँगा, 1 2 3 4 5 6 टाइम। ठीक है, और डेट ऑफ एक्टिवेशन। ठीक है, तो इसको मैं अभी, इसकी एक्टिवेशन है नहीं, ठीक है, मार्च से होगी, लेकिन फिर भी मैं इसका जो जॉइनिंग डेट है, ठीक है, जॉइनिंग डेट है उसी डेट को, ठीक है, इसकी जॉइनिंग डेट है इसको यहाँ फिट कर देता हूँ। बाद में मैं इसको चेंज कर दूँगा। ठीक है, बाद में चेंज कर देंगे आप, और इसके बाद मैं सबमिट पर क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पर सबमिट पर क्लिक किया, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं न्यू एम्प्लॉय क्रिएटेड और एम्प्लॉय की एम्प्लॉय आईडी यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है, तो इस तरह से आप SIPF पोर्टल पर नए एम्प्लॉय की एम्प्लॉय आईडी बना सकते हैं। अगर आपको किसी तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। देखो, वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो भी इसको क्रिएट करना चाहता है उनके साथ में, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्दी मिलते हैं राजगुरु जी पर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राजगुरु जी साइनिंग आउट। नमस्ते।